अपन नेक्स्ट फिफ्थ सम करने जा रहे हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि सानू कुछ टर्म्स इतनियां ने, असी जो चैप्टर स्टार्ट किया है तो आप इंट्रोडक्शन कुछ लॉ कुछ प्रॉपर्टीज़ करके गए थे, हुण सानू उही गिवन है, आप दसना है कि कैड़ी प्रॉपर्टी जिहड़ी है इत्थे अप्लाई हुई है। जो देखो फर्स्ट सम है -4/5 × 1, दैन 1 × 4/5 − 4/5 इक्वल के दे −4/5। देखो सानू सिंपली नज़र आ रहा कि 1 दे नाल मल्टीप्लाई करिए, इस नंबर च बाद की गई है, इतने पहला की गई है, तो उही नंबर आ रहा। दैट मीनस इस चीज़ असं छोटे होंगे पढ़ते आए हैं कि 1 नूं असीं जिस भी नंबर के नाल मल्टीप्लाई करते हैं उही नंबर आ जाता है आंसर, चाहे वह -1 है, चाहे वह टर्म माइनस दी है, तो चाहे वह टर्म प्लस दी है, चाहे 1000 ही है, 1000 नूं तुसीं 1 नाल मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 1 नूं 1000 नाल मल्टीप्लाई कर लो, 1 नूं जिहड़े नंबर नाल भी मल्टीप्लाई करांगे उही नंबर आऊगा। दैट मीनस असीं कह सकते हैं कि इत्थे कीड़ी प्रॉपर्टी यूज हुई है, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कि जिहड़े भी नंबर नाल मल्टीप्लाई करांगे उही नंबर उहदा की रहेगा आंसर। ठीक बच्चे, हुण सैकेंड देखो, सैकेंड दे विच सानूं गिवन है −13/17 × −2/7, और दूसरी साइड पर की है −2/7 × −13/17। राजू जो असी प्रॉपर्टीज वाली स्टार्टिंग असी जो प्रॉपर्टीज कीतियां सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं थोड़ा करवाई सी कुछ, देखो ये 13/17 पहला आया, ये किमें आया बाद च। देखो मैं कुछ लिख दी, आपका ए बाय बी इक्वल के आए बी मल्टीप्लाई ए दे, कि चाहे असी ए नूं पहला मल्टीप्लाई करिए बी नाल, चाहे बी नूं पहला ए नाल मल्टीप्लाई करिए, दोनों की टर्म्स का आंसर की आऊगा सेम। दैट मीनस वो कि प्रॉपर्टी की सी कमूटेटिव लॉ, कमूटेटिव लॉ एडिशन से भी अपलाई हूँ सी मल्टीप्लाई पर भी, तो दैट मीनस असं कह सकते हैं ये कि प्रॉपर्टी है कमूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज कि असी कोई भी नंबर है, चाहे देखो 2 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कर लो तो भी 6 आंसर आऊगा, चाहे 3 नूं 2 नाल कर लिए तो भी आंसर की आऊगा 6 आऊगा। दैट मीनस ये कि प्रॉपर्टी है कमूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, जो प्लस का साइन हों एडिशन लिए आ जानी सी, सबट्रैक्शन से डिवाइड से ये अपलाई नहीं होंगी, याद रखना है। ओके नेक्स्ट देखो थर्ड वन, −9/29 × −29/-19 इक्वल के दे 1 ते, असी हुणे फोर्थ सम दे विच करके गए हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देखो इत्थे की किया उहदा रेसीप्रोकल करता, सिंपली रेसीप्रोकल करन तो बाद जो असी इहनूं मल्टीप्लाई करेंगे तो किन्ना आना चाहिए 1, असी करके गए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दे विच इस तों पहले कि जदों भी कोई टर्म है उहदा रेसीप्रोकल नाल तुसीं मल्टीप्लाई करदे आ तो उहदा आंसर की आऊगा 1, तां उह की होगा उस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। दैट मीनस इहदी प्रॉपर्टी कीड़ी है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके राजे,